उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौ हत्या के शक को लेकर हुई हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक युवक की मौत हो गई। कथित गोकशी की जानकारी मिलने के बाद 3 गांव के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने चिंगरावटी पुलिस चौकी में भी हिंसा की, जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। हिंसा के दौरान सियाना थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित नाम के एक युवक की मौत हो गई। इंस्पेक्टर सुबोध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनको गोली मारी गई थी। एडीजी इंटेलिजेंस को वहां पे भेजा जा रहा है और जो 48 घंटे के अंदर में एक इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। समस्त तथ्यों के बारे में पूरे प्रकरण की एक गोपनीय इंक्वायरी रिपोर्ट वो अपनी प्रेषित करेंगे। हिंसा की घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने यूपी पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस, एसआईटी और मजिस्ट्रेट से घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना कैप्टन बताने वाले पंजाब के पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का रुख बदला हुआ दिख रहा है। सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पिता समान बताते हुए कहा कि वो उनसे मिलकर मसला सुलझा लेंगे। यू डोंट वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, ही इज अ फादरली फिगर। I love him, I respect him, I'll sort it out myself. चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे की चर्चा की बात कही जा रही थी, लेकिन मीटिंग में इस विवाद का जिक्र तक नहीं हुआ। कैप्टन साहब ने नहीं, वो अंदर चर्चा नहीं हुई, पर चर्चा कैप्टन साहब ने की थी ना, घोषणा की थी, पर कैबिनेट की कोई डिस्कशन नहीं है इस मसले। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। राजस्थान के जोधपुर में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुत्व के बारे में पूरी तरह जानने का दावा ऋषि मुनियों ने भी नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूं? कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कहा है कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा ये काल्पनिक पात्र है। पीएम ने यह भी कहा कि हिंदुत्व को लेकर उनके ज्ञान पर लोग वोट नहीं डालेंगे। कुछ अच्छे काम हो इसलिए सरकार बनाते हैं ना, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली पहुँचे इसलिए सड़क बनाते कि नहीं बनाते हैं। अरे भाई, मोदी को ज्ञान है कि नहीं है? क्या राजस्थान में इसके मुद्दे पर वोट डालना है क्या? राजस्थान के उदयपुर में राहुल ने कहा था कि मोदी हिंदुत्व को नहीं समझते। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के बूंदी में जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि अगर राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा भी रही है तो इस बार टूट जाएगी। नहीं, ये कोई परंपरा नहीं है, कई बार कंटिन्यूस सरकार आई है। भैरव सिंह जी ने 2 बार सरकार बनाई थी, और खैर परंपरा है तो भी इस बार टूट जाएगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी जी न्यूज से खास बातचीत में फिर से चुनाव जीतने का दावा किया। वसुंधरा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से किसी तरह के मतभेद से भी इनकार किया। परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं, ये हमारा परिवार है। हमारे परिवार के अंदर कोई भी इस तरीके की बातें नहीं है। पहले अपने गरेबान में झांक के देख लें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। प्रधानमंत्री से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक ने ये अपना चुनाव माना है, और सब लोग मिलके उसके पूरी ताकत लगा के लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा है कि केसीआर ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि वो खाओ कमीशन राव बन गए हैं। 5 साल बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट को रीडिजाइन करने के लिए जनता ने केसीआर जी को एक नया नाम दिया है। तेलंगाना का हर बच्चा जानता है कि केसीआर जी का नया नाम खाओ कमीशन राव। राहुल ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को एक रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया है। तेलंगाना में 7 दिसंबर को 119 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजों का ऐलान 11 दिसंबर को होगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई और पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो, चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है।
हमको छेड़ मत, याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आपत्तिजनक बयान दिया। आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, क्रिसमस से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या, तेरे जैसे 56 आए चले गए। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से पहले तेलंगाना में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो निजाम की तरह ओवैसी को हैदराबाद से भागना पड़ेगा। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक दूसरे पर ट्विटर के जरिए आरोप लगाए। राहुल गांधी ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की सी टीम बताया। इसके जवाब में ओवैसी ने कांग्रेस को हिंदुत्व की बी टीम बताया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने नोटबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओपी रावत ने कहा है कि नोटबंदी के ऐलान के बाद ऐसा लगा था कि चुनाव में पैसे का गलत इस्तेमाल बंद होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद जो आम धारणा थी कि चुनाव में पैसे का दुरुपयोग कम होगा, वो सीजर के आंकड़ों से ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ। सीजर जो है पिछले इलेक्शंस की तुलना में उन्हीं राज्यों में और भी ज्यादा हुआ। कम से कम इलेक्शन में आने वाले ब्लैक मनी पर कोई लगाम नहीं लगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है नेताओं के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ओपी रावत के मुताबिक चुनाव में इस प्रकार इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा ज्यादातर काला धन ही होता है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पंचकुला में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई करते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की जमीन जब्त कर ली है। ईडी ने जमीन जब्त करने का आदेश 1 दिसंबर को जारी किया था। उसी दिन सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड गांधी परिवार से जुड़ी कंपनी है। आरोप है कि गलत तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को जमीन का आवंटन किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और उनके बिजनेस एसोसिएट्स अजीत प्रसाद जैन, वैभव जैन, सुनील जैन और आयुष जैन के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने ये चार्जशीट दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की है। इन सभी के पास आय से 1,47,00,000 रुपए अधिक संपत्ति पाई गई है। ये आमदनी 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच की है।